सो हेलो एवरीवन, बेन 10 की नई सीरीज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ाइलिन को ओमनीट्रिक्स कहां से मिली, इसके अलावा एज़मथ एंड ज़ाइलिन का क्या कनेक्शन था, ज़ाइलिन मैक्स को कैसे जानती थी, एंड इसके अलावा ज़ाइलिन ने मैक्स को ही क्यों चुना ओमनीट्रिक्स को देने के लिए। हाँ, बट अब ये मत बोल देना कि ग्रैंडपा मैक्स और ज़ाइलिन का इलूलू चल रहा था। सो यार, जिन लोगों को पता है वो वीडियो को स्टॉप करके कमेंट करना ना भूलें। एंड गुरु लोग, जिन भी लोगों को नहीं पता है वो कुछ देर अपने निब्बा और निब्बियों के मैसेजेस को इग्नोर करें और संपूर्ण तरीके से हमारी वीडियो पे फोकस करें। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो भाई लोग, कहानी की स्टार्टिंग होती है ग्रैंडपा मैक्स की जवानी से, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स यानी कि अपने मैक्स टेनिसन एक प्लम्बर हुआ करते थे। एंड ग्रैंडपा मैक्स अपने प्लम्बर की रेटिंग में टॉप नंबर पे आया करते थे। एंड इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स यानी कि मैक्स टेनिसन को अर्थ के साथ साथ स्पेस के भी केसेस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता था। एंड वहीं पे ग्रैंडपा मैक्स यानी कि हमारे मैक्स दादा की मुलाकात होती है ज़ाइलिन से, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ज़ाइलिन एक ही केस में एक साथ काम करते हैं और अपनी केमिस्ट्री को सेट कर लेते हैं। एंड हमारी स्पेस की छिपकली को ये यकीन हो जाता है संपूर्ण तरीके से कि उन्हें मैक्स टेनिसन के ऊपर क्रश आ चुका है। एंड इसी वजह से ज़ाइलिन मैक्स को अप्रोच भी करती है, बट मैक्स वहाँ पे डिनाई कर देता है क्योंकि हमारे मैक्स दादा बहुत ही सख्त लौंडे थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि ज़ाइलिन और मैक्स टॉप नंबर के प्लम्बर्स में एक हुआ करते थे। एंड मैक्स के एक ह्यूमन होने के कारण उन्हें प्लम्बरिंग से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। एंड मैक्स के रिटायरमेंट के बाद ज़ाइलिन मिलती है एज़मथ से, जहाँ पर एज़मथ ज़ाइलिन को ओमनीट्रिक्स के बारे में सारी डिटेल समझाता है और बताता है कि ओमनीट्रिक्स एक कितना बड़ा हथियार है अगर ये विलगैस के हाथों में लग गया तो। एंड एज़मथ ज़ाइलिन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि ओमनीट्रिक्स को विलगैस से बचा के किसी सेफ जगह पे रख दे। एंड जब ज़ाइलिन ओमनीट्रिक्स को लेके प्राइमस प्लैनेट से निकलती है तो आप सभी को पता है उसी वक्त ज़ाइलिन की शिप के पीछे विलगैस की शिप पड़ जाती है। एंड विलगैस के स्पेस शिप के थ्रू काफी ज्यादा फायर करने की वजह से ज़ाइलिन का स्पेसशिप डैमेज हो जाता है। एंड उस टाइम पे ज़ाइलिन के दिमाग में सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स ही आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ग्रैंडपा मैक्स ने और ज़ाइलिन ने मिलके विलगैस को एक बार रोका था। इसी वजह से ज़ाइलिन ने ओमनीट्रिक्स के बॉल पे ग्रैंडपा मैक्स के लोकेशन को फीड कर दिया और अर्थ पे लॉन्च कर दिया था। एंड बस इसी वजह से कि ग्रैंडपा मैक्स के हाथों में वो ओमनीट्रिक्स सेफ रहेगी और कभी विलगैस उनसे लड़ा भी तो विलगैस को वो रोक लेंगे। एंड ज़ाइलिन ने ओमनीट्रिक्स में मैक्स टेनिसन के लोकेशन के साथ ही साथ मैक्स टेनिसन के डीएनए को भी मेंशन कर दिया था, ताकि ओमनीट्रिक्स किसी गलत हाथ में ना जाए और कोई ओमनीट्रिक्स का गलत इस्तेमाल ना करे। एंड जब ज़ाइलिन अपने स्पेस शिप से ओमनीट्रिक्स के बॉल को लॉन्च करती है, बट वो ओमनीट्रिक्स मिलता है बेन टेनिसन को। एंड ऐसा क्यों है? पहला रीजन तो इसका ये है कि ग्रैंडपा मैक्स, क्वेन एंड बेन के फादर या ग्रैंडपा मैक्स के कोई भी खानदान के सदस्य सबका डीएनए एक जैसा ही होता तो ओमनीट्रिक्स को वेयर करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज बेन 10 क्लासिक में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रैंडपा मैक्स, क्वेन एंड बेन, इन तीनों के हाथों में ओमनीट्रिक्स एक एक बार आई है। बट इस थ्योरी को छोड़ के हम दूसरी बारी तो देखें तो हमें ये पता चलता है बेन टेनिसन के साइड में ओमनीट्रिक्स मुड़ी नहीं थी, उसे मोड़ा गया था। एंड यहीं से कहानी स्टार्ट होती है बेन 10 के नो वॉच के टाइमलाइन में। अगर आप सभी ये कहानी जानने के लिए उत्सुक है काफी ज्यादा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पे ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। एंड उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि बेन टेनिसन को ही ओमनीट्रिक्स क्यों मिला, क्वेन को क्यों नहीं मिला या ग्रैंडपा मैक्स को क्यों नहीं मिला। बट यहाँ इस वीडियो का टॉपिक दूसरा है, यानी कि ज़ाइलिन ने मैक्स को ही ओमनीट्रिक्स देने को क्यों सोचा। So, मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है डेट ग्रैंडपा मैक्स पे सबसे ज्यादा ज़ाइलिन भरोसा कर सकती थी। एंड ग्रैंडपा मैक्स अपने टाइम के सबसे अव्वल नंबर के प्लम्बर हुआ करते थे। इसके अलावा ग्रैंडपा मैक्स ने विलगैस को एक बार रोका भी था। एंड बस इसी वजह से ये संपूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाता है कि मुसीबत की घड़ी में ज़ाइलिन ने ग्रैंडपा मैक्स को चुना क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स के हाथों में ओमनीट्रिक्स बहुत ज्यादा सेफ थी। पर आप सभी को इस बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा एंजॉयबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो या भूले भटके आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम सब भी मेरी तरह बेन 10 के दीवाने हो और बेन 10 की सीरीज को ऐसे ही फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी कंजूसी मत करना। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप मिले या ना मिले, मैं मिलूंगा अपने इसी चैनल में अपनी नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।